कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती किसान खुशहाल योजना चलाई गई है, जिसमें जिसे जिला सिरमौर के लगभग 11,500 किसान खेती कर रहे हैं। इस बाईस लगभग 2,270 हेक्टेयर एरिया में प्राकृतिक ढंग से खेती की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला सिरमौर में करीब 208 किसान जिन्होंने मक्की लगाई है, सरप्लस मक्की हमारे पास थी, तो वो उनसे हम डिपार्टमेंट मक्की खरीद कर रहा है, जिसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रखा गया है, जिसकी हमने पहले एक 15 तारीख से स्टार्ट किया था, और इसको करीब हमारी 520 क्विंटल मक्की जो सरप्लस थी वो आनी है, में से करीब 200 क्विंटल मक्की हमने प्रोक्योर कर ली है। बाकी हमारी 18 नवंबर से मक्की की दोबारा खरीद स्टार्ट होगी। जिन किसानों ने प्रकृत ढंग से मक्की लगाई है उनसे हम 18 तारीख से खरीद करेंगे, और इसी तरह जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गेहूं की जो फसल लगाएंगे उनसे 40 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं भी खरीदी जाएगी। किसानों से सर क्या अपील रहती है? किसानों से हमारी यही अपील रहती है कि प्राकृतिक खेती जो लोग करेंगे उनसे उनके पास जो खर्चे हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और जितना भी फायदा होगा किसानों का ही होगा, और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोग केमिकल डाल रहे हैं, उन केमिकल से बचाव होगा। सर जिला सिरमौर तो 8 किसान जो सरप्लस किसान हैं, वैसे तो 4,000 किसान हैं लगभग जो खेती कर रहे हैं मक्की की, लेकिन जिन लोगों के पास सरप्लस थी, जिन्होंने बेचनी थी मक्की, वो 208 किसान हैं, जिसमें से हमने 51 किसानों से मक्की खरीद ली है, और 157 किसान की मक्की हम 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है।